हेलो योगीज, कैसे हैं आप लोग? आज हम करेंगे सलभ आसना और जानेंगे इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और किनको ये आसन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये आसन किसको नहीं करना है? अभी अभी कोई सर्जरी हुई है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, बैक पेन ज्यादा है या प्रेग्नेंट है, तो इस आसन को आपको नहीं करना है। बाकी सब इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है, वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है और आपके पैरों की मांसपेशियां मजबूत करता है, बैक पेन में रिलीफ दिलाता है। लेकिन अगर ज्यादा दर्द है बैक में तो इस आसन को खुद से ना करें, किसी की देखरेख में ही करें। अब देखते हैं इस आसन को करना कैसे है। सबसे पहले आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे, पेट ऊपर की तरफ रहेगी। सलभ आसना करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे पेट के बल लेट जाइए, दोनों पैर पास रहेंगे और आपके दोनों हाथ आपके पैरों के नीचे, आपके जांघों के नीचे रहेंगे इस तरीके से। फेस आपका नीचे जमीन पे लगा रहेगा और आपको पैर उठाने और इस अवस्था में आपको 30 सेकंड रुकना है। और धीरे धीरे वापस स्टार्टिंग में 30 सेकंड, फिर धीरे धीरे आप 1 मिनट तक यहाँ पे रुक सकते हैं। एक बार दोबारा देखिए, दोनों हाथ आपके जांघों के नीचे और फेस बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, नीचे रहेगा जमीन से लगा हुआ और दोनों पैर ऊपर। और धीरे धीरे वापस। इस आसन के पूरे बेनिफिट लेने के लिए इस आसन को रोज करें और 1-1 मिनट तक करें, 3 बार करें। स्टार्टिंग में आप 3 बार करें, उसके बाद आप 5 बार, 10 बार भी आप इसको कर सकते हैं। बट शुरुआत में नहीं करिएगा, इससे आपके कमर में दर्द आ सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नमस्ते।